स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। आज हम करेंगे कैलेंडर, ये है क्लास थर्ड के लिए। तो हमारा चैप्टर है 14 है, तो कैलेंडर के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। तो कैलेंडर क्या होता है कि वो हमें तारीख, मंथ और डेज वगैरह जो हमें बताता है, जिससे हम कैलेंडर में देख के कौन सा महीना है, कौन सा मंथ है और कौन सा डे है, कौन से डेट है, ये सब चीज़ का हम पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, दिस इज़ अ कैलेंडर ऑफ ईयर 2019, इट शोज डेट्स एंड डेज ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पर जो ये कैलेंडर दिया हुआ है, ये है 2019 का, जिसमें डेज, डेट और मंथ दिए हुए हैं। तो जो पहला मंथ है इसमें जनवरी, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये इस तरह से 12 मंथ दिए हुए हैं। और इनमें हम देखते हैं, यहाँ पर S का मतलब होता है संडे, M का मतलब होता है मंडे, T का मतलब होता है ट्यूसडे, W का मतलब वेडनेसडे, T का मतलब थर्सडे, F मतलब फ्राइडे और S मतलब सैटरडे। तो इस तरह से हमारा ये जो कैलेंडर का दिया होता है, इसमें मंथ का इस तरह के कि मंथ सैटरडे में, संडे में, संडे में कौन सी डेट है, मंडे में कौन सी, ट्यूसडे में, इस तरह से हम ये देखते हैं। वन से शुरू जो जनवरी है वो हमारी है 30 फर्स्ट डेज की, फरवरी है हमारी 28, ये 2019 का है। तो यहाँ पर ये 28 डेज की है फरवरी, और मार्च कितने का है, 31 डेज का। अभी हम इसको और डिटेल में जानेंगे, डेज ऑफ द वीक। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं ये हम इस वाले में जानेंगे। अ वीक हैज़ 7 डेज, द नेम्स ऑफ द 7 डेज ऑफ अ वीक आर। तो यहाँ पर होते हैं 7 डेज होते हैं वन वीक में, और इन सभी के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट डे है हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ पर देखिए, मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पर जो हमारा मंडे है वो डे वीक का फर्स्ट डे है, और संडे हमारा लास्ट डे है। मंथ्स ऑफ अ ईयर, अब यहाँ पे बताने हैं कि बता रहे हैं कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, द नेम ऑफ द मंथ्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ डेज कंटेन्ड बाय द देम आर गिवन ब्लू। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी में 30 फर्स्ट डेज होते हैं, फरवरी में 28 या फिर 29 भी होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सेप्टेम्बर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब यहाँ पर देखिए, ना ऑब्जर्व द कैलेंडर, कैलेंडर को आपको ऑब्जर्व करना है। डू ऑल द मंथ्स हैव सेम नंबर ऑफ डेज, तो आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, नो सेम हैव 30 डेज, सम हैव 31 डेज, कुछ के कितने होते हैं 30 डेज होते हैं, कुछ के 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पे विच मंथ्स आर हैविंग 30 डेज, तो कौन से मंथ के 30 डेज होते हैं, अप्रैल, जून, सेप्टेम्बर एंड नवंबर, इनके 30 डेज होते हैं। विच मंथ्स आर हैविंग 31 डेज, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। विच मंथ्स हैव 28 डेज और 29, तो ऐसा ये एक ही मंथ है जिसमें सिर्फ 28 या 29 डेज होते हैं, वो है फरवरी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमें
जो ये दिया हुआ है हमारा हैंड होता है इस तरह से, इस तरह से हम इसको ऐसे रखते हैं, इस तरह से अपना हैंड को इस तरह से, तो इससे पता करते हैं हम जून जुलाई और कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो फर्स्ट ये जो होता है ये यहाँ पे ये हड्डी देख रहे हैं ऊंचा ऊंचा उठा होता है ये, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं जनवरी, फिर यहाँ पर बीच में हो जाता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से ये दिए होते हैं। तो जो नीचे होता है ये कम डेज़ का होता है और जो ये होता है ये 31 डेज़ का होता है। तो इसको यानी कि जनवरी होती है हमारी 31 डेज़ की, 30, 31, 30, 31, इस तरह से दिया होता है। तो इससे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से हम इनको पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज़ अ लीप ईयर, अब इसमें लीप ईयर कौन सा होता है, लुक एट द कैलेंडर्स ऑफ फरवरी 2016, लुक एट द कैलेंडर्स ऑफ फरवरी 2016 एंड 2018, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन फरवरी 2018, देयर आर 28 डेज एंड इन फरवरी, जिस ये 2018 में है जिसमें हम 28 डेज के कौन से मंथ में है, फरवरी में, 2016 देयर आर 29 डेज, 2016 में कितने डेज हैं इसमें 29। तो यहाँ पर देखिए ये है 2016 वाला जो फरवरी का दिया हुआ है, तो ये हमारे इसमें है 29 डेज हैं, और ये फरवरी का दिया हुआ है 2018 का, इसमें 28 डेज हैं। इन फर्स्ट ईयर देयर आर 365 डेज, जो इसमें है, एंड द मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 28 डेज, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं और जो फरवरी होता है उसमें 28 डेज का, बट एवरी फोर्थ ईयर फरवरी हैज़ 29, यानी कि चार साल के बाद जब आती है, चौथे साल जब आती है फरवरी, उसमें 29 डेज होते हैं। दिस ईयर हैज़ 366 डेज एंड इट इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर, जिसमें 366 डेज हो जाते हैं मंथ में, ईयर में, वो हमारा हो जाता है लीप ईयर।